झरिया की न्यू कॉलोनी भौरा के मोहलबनी में दिवा रात्रि 2 दिवसीय वॉलीबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में जनता मजदूर संघ बच्चा गुट के संयुक्त महामंत्री अभिषेक सिंह ने फीता काटकर टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। इस प्रतियोगिता में 16 टीमों ने भाग लिया, जिसका आज पहला मैच फालतू क्लब जूनियर बनाम जीरो टीम भाड्डी के बीच खेला गया, जिसमें जीरो टीम ने फालतू क्लब को 2-1 से हराकर मैच को जीत लिया है और टीमों के बीच में खेल जारी है, जिसका कल फाइनल मैच खेला जाएगा। उसी दौरान मुख्य अतिथि अभिषेक सिंह गुड्डू सिंह ने कहा कि इस तरह के खेल का कार्यक्रम आयोजित करके बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम करना बहुत ही सराहनीय काम है। आजकल के बच्चे जहां घर से बाहर नहीं निकलते हैं और मोबाइल और टीवी में लगे रहते हैं, इससे अच्छा है कि कम से कम बच्चों के बीच में इस तरह के खेल का प्रतियोगिता का आयोजन करना चाहिए, ताकि बच्चे स्वस्थ हो और नेशनल और इंटरनेशनल मैच खेल के देश और समाज का नाम रोशन करें। इस कार्यक्रम को सफल बनाने वालों में राजन सिंह, कमलेश यादव, एनके सिंह, चंदन सिंह, अजय उराव, गणेश उराव, चंद्रमा सिंह, राहुल, हेमंत, तपन आदि लोग शामिल थे। हाँ, तो हम कितने स्कोर एक और अगला गेम अभी क्या संदेश देना चाहेंगे? पहले तो किसी भी व्यक्ति के लिए स्वस्थ दिमाग और स्वस्थ शरीर, तंदुरुस्त दिमाग और तंदुरुस्त शरीर जरूरी होता है, और तंदुरुस्त शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप बाहर में किसी खेल का अभ्यास करें या बाहर में किसी खेल में आप हमेशा अपने आप को उलझाए रखें। तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप ये बाहर में आज वॉलीबॉल का खेल खेल रहे हैं, ये 2 दिवसीय खेल का यहाँ पर लोगों ने प्रतियोगिता का आयोजन किया है, ये बहुत ही सराहनीय है। इससे लोगों के अंदर फिर एकाग्रता आएगी, इनके अंदर अनुशासन आएगा और ये लोग अपने जीवन में इसका प्रयोग करके अपने जीवन को बहुत ही अनुशासित बना सकते हैं। खिलाड़ियों के लिए क्या संदेश देगा? खिलाड़ियों के लिए यही संदेश रहेगा कि खिलाड़ी जितने भी अनुशासन में खेलें और अपने बीच में खेल की प्रतिस्पर्धा लाए और किसी चीज़ की ना लाए, ताकि वो अपने खेल को अधिक से अधिक अच्छा बना सके और अच्छा खेल का प्रदर्शन कर सके।